यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। होली का पर्व 21 मार्च को मनाया जाना है। होलिका दहन का कार्यक्रम 20 मार्च की रात में होगी। इसके मद्देनजर पलामू जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष तैयारी की गई है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरी के आदेश के आलोक में संयुक्त आदेश पारित करते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। पर्व को लेकर हिंसक घटनाओं से प्रशासन की टीम पूरी मुस्तैदी से निपटेगी। सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थानों और होली के अवसर पर तनाव होने की संभावना वाले क्षेत्रों को जिला प्रशासन की टीम ने चिन्हित कर वैसे स्थानों पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी है। महत्वपूर्ण सांप्रदायिक कांडों में संलिप्त अभियुक्तों की सूची भी प्रशासन द्वारा तैयार की गई है। इनकी खोजबीन भी की जा रही है ताकि पर्व में शांति कायम रहे। अवैध शराब बिक्री स्थान तथा विक्रेताओं की सूची भी जिला प्रशासन ने तैयार किया है ताकि होली पर्व में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सके। जारी संयुक्त आदेश में कहा गया है कि होली के अवसर पर जाति विशेष एवं पूर्वाग्रह तथा हिंसक घटनाओं को लेकर गंभीर तनाव उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए समुचित निरोधात्मक एवं सुरक्षात्मक कार्रवाई की जा रही है। होली खेलने के दौरान अभद्रता के कारण तनावपूर्ण स्थिति एवं कभी कभी सांप्रदायिक तनाव की भावना उत्पन्न होती है, अतः होली खेलने के समय जनता को इस बिंदु पर ध्यान रखना अति आवश्यक है जिससे जिले में आपसी सौहार्द तथा शांति बनी रहे। होलिका दहन के दौरान देखा गया है कि ग्रामीण अपने गांव की सीमा को पार कर दूसरे गांव में आग के गोले फेंकने बलपूर्वक दूसरे के घरों के छपरों को आग के हवाले कर देते हैं जिससे विवाद और तनाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भी प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। अबीरिया रंग नहीं खेलने वाले लोगों के साथ होली नहीं खेलने एवं ग्रामीणों से विवेक से काम लेने के संबंध में स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों से सहयोग देने की अपील भी की गई। सभी बीडीओ सीओ और थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र अंतर्गत रेलवे लाइन सड़क मार्ग या ठहराव के निकटवर्ती स्थानों पर शहर एवं गांव में विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारियों एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।